आप देखना शुरू कर चुके हैं माई विलेज प्रेस। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रटावत और देडवाल पाल के बारे में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं रटावत पाल के बारे में। इस पाल के बुजुर्ग का नाम सनामा उर्फ रटू था। रटू के नाम की वजह से ही इस पाल का नाम रटावत पड़ा। वंशावली के हिसाब से इनका सबसे नजदीक का ताल्लुकात बाघोड़िया पाल से है। रटावत पाल का पाभे का गांव मडेरा है और चौधर का गांव साहौड़ी है। सनामा उर्फ रटू का कुर्सी नामा भी अनंग पाल से जाकर मिलता है। इस पाल का ताल्लुकात तवर वंश से है। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं रटावत पाल के मशहूर गांवों के नामों पर। इस पाल के 125 गांव हैं। हिरवाड़ी बास, दादर, सहौड़ी, बझड़ावास, धवाला, नांगल, कल्याणपुर, पोतपुर, पलकड़ी, माचड़ी, अलालपुर, सनामा, पथराली और बलाना। आइए दोस्तों अब जानते हैं देडवाल पाल के बारे में। इस पाल का ताल्लुकात तवर वंश से है और इनका कुर्सीनामा अनंत पाल से मिलता है। इनके नामकरण में कुछ फर्क है। इनके बुजुर्ग का नाम दौड़पाल था, जिसके नाम की वजह से इस पाल का नाम देडवाल पड़ा। कुछ राइटर दरापाल से देडवाल बना बताते हैं। तीसरा ये भी है कि डोडवाल क्षत्रिय राजपूतों के एक मशहूर वंश का नाम है। इस बात पर इतिहासकारों की राय है कि डोडवाल से ही देडवाल अल्फाज बना। बहरहाल पुराने जमाने में इस पाल के बहुत गांव थे। राइटरों के हिसाब से इस गांव के 252 खोरे थे। हर एक खोरे पर इनकी आबादी थी। दोस्तों आपको बता दें कि खोरा किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच के हिस्से में आबाद गांव को खोरा कहते हैं। अगर हम मेवाती में कहें तो वो गांव जो पहाड़ की वाल या नलों में आबाद रहते हैं, उनको पहले खोरा ही कहा जाता था। मेवली गांव के राव मालहा देडवाल पाल के मशहूर सरदार हुए, जो दूर दूर तक काफी मशहूर थे। 1252 पाल की कामली राव सेमठ और राव मालहा देडवाल ने ही छुड़ाई थी। मंडावर का चौहान राजा, जो मेवों से मालिया कर्ज यानी टैक्स वसूलता था और कामली भी भेंट लेता था, सेमठ और राव मालहा ने ही कामली का रिवाज खत्म करवाया था। देडवाल पाल का पाभे का गांव टाई और चौधर का गांव मेवली है। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं देडवाल पाल के मशहूर गांवों के नामों पर। दोस्तों इस पाल की ज्यादातर आबादी नूह और फिरोजपुर झिरका के बीच आबाद है। टाई छोटी मेवली, बड़ी मेवली, बाई, खोरी नूह, गोहाना, दिहाना, मालब, सतपुतिया का, धांदुका, गजरपर, डकलपर, जैताका, शादीपुर, कानपुर, बड़ौदा में, रोजका, झारोकड़ी, बिछोर, नवलगढ़, पुन्हाना, बहराड़ी, सौराई, बेगमपुर, ठोस, सराय, खिजरपुर, धीरधुका, जौचका और मुंडया। दोस्तों कुछ गांवों के नाम एक दूसरी पाल में इसलिए आए हैं क्योंकि मौजूदा दौर में इनकी आबादी एक साथ रहती है। तो दोस्तों ये थी रटावत और देडवाल पाल के बारे में कुछ अहम जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बताई गई जानकारी खूब पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।